We are going to start chapter 34, and the chapter 34 is poets and poems. So इस chapter में हमें यहाँ पर कुछ poets की pictures दी गई हैं बच्चों, और हमें उनके नाम भी लिखने हैं और उनके best known works भी, जो उनके सबसे अच्छे work हैं, जो उनकी सबसे अच्छी रचनाएं हैं, poetry हैं, हमें उनके नाम भी लिखने हैं. ओके, तो फर्स्ट वन पोएट इज विलियम ब्लेक. आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चों. सो द फर्स्ट वन इज विलियम ब्लेक, और इनकी जो बेस्ट नोन वर्क है वो है द टाइजर. ओके, सेकंड इज जियोफ्री चांसर. ओके, और इनका बेस्ट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स. द कैंटरबरी टेल्स, आप मेरे साथ साथ इसे फिल कर सकते हैं. सो इनका बेस्ट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स. नाउ द थर्ड वन, शी इज अ पोएटिस, और इनका नाम है एमिली डिकिंसन. एमिली डिकिंसन इनका नाम है, और इनका एक यहाँ पर बेस्ट नोन वर्क मैंने बताया है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. Because I could not stop for death. Okay. Now on the fourth number we have T.S. Eliot. T.S. Eliot. और इनकी यहाँ पर मैंने poem describe की है The Waste Land. Fifth we have Homer, और इनका work है The Iliad. Okay. John Keats on sixth number. प्लीज़ आप मेरे साथ साथ इसे लिखते जाएंगे ताकि आपको पहचान हो जाएगी इन पोएट्स की. सो ये हैं जॉन कीट्स, और यहाँ इनकी एक पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल. इट्स अ वेरी फेमस पोएम बच्चों, शायद आप आगे जाकर इसे पढ़ेंगे भी. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. सो वी हैव ऑन सेवन नंबर रुडयार्ड किपलिंग. तो क्या नाम है इनका बच्चों? रुडयार्ड किपलिंग, और इनका बेस्ट नोन वर्क है इफ. ओके, सो ये इनकी पोइम है इफ. एंड ऑन एट नंबर वी हैव जॉन मिल्टन, द ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन, और इनकी यहाँ पर पोएम डिस्क्राइब की गई है पैराडाइज लॉस्ट. राइट, ओके. नाउ लास्ट में वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ बच्चों, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, और इनका वर्क यहाँ पर डिस्क्राइब है द प्रिल्यूड. ओके, सो आपको इनकी पिक्चर्स देख के इनके नेम्स लर्न करने हैं, और साथ साथ इनकी इन पोएम्स के नेम्स भी आपको लर्न करने हैं. और बस इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.